बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हबीब डेंगल। यार काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे दोस्त, काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स जो है ना मुझसे काफ़ी सारे सवाल पूछते हैं यूट्यूब पे, और रोज़ मैं कहता हूँ कि मैं वीडियो बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, वीडियो बनाऊँगा। चलो आज बना ही लेते हैं। कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई अगर हम हांगकॉन्ग में विज़िट वीज़ा पर आएँ क्या हम वहाँ पर काम कर सकते हैं, तो क्या हम विज़िट वीज़ा पर आकर वीज़ा अपना वर्क में चेंज करवा सकते हैं। अगर हम विजिट वीज़ा पर आएँ तो अपने हम अपना आईडी अप्लाई कर सकते हैं। अगर विजिट वीज़ा पर आएँ तो फूड पेंडा कर सकते हैं, या हमें विजिट वीज़ा मिल सकता है, या हमें हांगकॉन्ग वर्क परमिट वीज़ा मिल सकता है। तो एक एक करके आराम से आपको जवाब देता हूँ। तो मज़े की बात है, इस वक्त मैं फूड पेंडा के काम पर आया हूँ और यहाँ पर शाम के 7:15 बजने वाले हैं, और मैं इस वक्त बैठा हूँ वॉलीबॉल बास्केटबॉल के ग्राउंड में। और मैंने सोचा यार वीडियो बना लेते हैं, आर्टिस्ट शर्ट तो वैसे कोई नहीं है, तो इसी बहाने आप लोगों में इससे गपशप हो जाएगी, आप लोगों के जो सवाल हैं उनके मैं जवाब दे सकूंगा। तो सबसे पहला सवाल, लोग कहते हैं कि हांगकांग विजिट वीज़ा मिल जाता है। हाँ मिल जाता है, अगर आपके पास एक अच्छी नौकरी है, या आपके पास कोई अच्छी पोस्ट है, या आपका बैकग्राउंड जो है ना वो चेक करते हैं कि स्ट्रांग है। ये भी होता है ना कि बैकग्राउंड आप शो भी कर सकते हैं, स्ट्रांग शो भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो कुछ होते हैं कि स्टेटमेंट बनवा लेते हैं, किसी कारोबार शो कर देते हैं कि मैं फलां के पास काम करता हूँ, या फलां मेरा कारोबार है। अगर किसी के कारोबार के अगर आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं तो उस तरह भी आपको हांगकांग का विजिट वीज़ा मिल जाता है, क्योंकि ये लोग चेक करते हैं कि ये बंदा हमारे मुल्क में आएगा, वापस जाएगा कि नहीं जाएगा। ये आपको 2 वीक का जो है ना वीज़ा देते हैं, 2 वीक का। हांगकांग का पाकिस्तान इंडियन के लिए सिर्फ 2 वीक का वीज़ा है, और बाकी दुनिया के लिए 6 माह का वीज़ा है। आप अंदाज़ा कर लें कि हमारी कितनी वैल्यू है इनकी आंखों में, ये इनके दिल में, ये इनके दिमाग में, आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं। हमें सिर्फ 2 वीक का वीज़ा मिलता है। अगर आपको वीज़ा एक्सटेंड करवाना है, आपको मकाओ या चाइना जाना पड़ेगा, वहाँ का वीज़ा लगवा कर, बेसिकली आप मकाओ चले जाएँ तो वहाँ से ईजी है। चाइना का वीज़ा आपको लगवाना पड़ेगा, वो आपको तकलीफ होगी, बड़ी मुश्किल होगी आपके लिए। और उसके बाद अगर आप विजिट वीज़ा पर आकर कहें कि मैं काम कर लूँगा, भाई साहब ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर विजिट वीज़ा पर आकर आप काम करना चाहेंगे तो आपको 1 मिनट के ऊपर पकड़ कर, आपको भाई साहब पकड़ कर जनाब अला या जेल में डाल देंगे या डिपोर्ट कर देंगे, तो दोबारा आपको वीज़ा भी नहीं देंगे। सही है। उसके बाद अगर आप कहते हैं कि हम आकर अपना वीज़ा जो है ना वो वर्क पर चेंज करवा सकते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपका एम्प्लॉय कितना स्ट्रांग है, उसकी कंपनी कितनी बड़ी स्ट्रांग है, कितनी स्ट्रांग है, कहाँ पर काम करता है, आई मीन क्या उसका कारोबार है, क्या सिस्टम है, वो टैक्स पेयर है, कितना टैक्स पे करता है, क्या सीन है उसका, ये कुछ कर सकता है। अगर आपका एम्प्लॉय लाइक मैं फ़र्ज़ करता हूँ हांगकांग का जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जो दुनिया में 7वें 10वें नंबर पर आता है, लेका सिंह, फ़र्ज़ करें अगर आप उसी कंपनी में जॉब करते हैं, कोई आप वेल एजुकेटेड हैं, कहते हैं कि मैं इसी कंपनी में जॉब करता हूँ, आप उसके पास जाते हैं या उसकी कंपनी के पास, फर्म के पास जाते हैं, वो आपको वीज़ा चेंज करवा देते हैं, आपको वर्क वीज़ा करवा देते हैं, आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा करवा देते हैं, आप उस वीज़े पे आ सकते हैं, काम कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे कोई पाकिस्तानी है, छोटा रेस्टोरेंट है उसके पास, ये छोटी सी यार्ड है, ये वसीन है, यार्ड वेयर हाउस है, तो उसके लिए 50-50 चांस है। तो ज़्यादातर जो वीज़े हैं ना वो आपको पाकिस्तान से लगवाने पड़ते हैं भाई साहब। जो वर्क वीज़ा होता है वो डेफिनेटली आपको पाकिस्तान से लगवाना पड़ता है। और कुछ लोग मुझसे सवाल करते हैं कि भाई जान के हम आके आईडी अप्लाई कर सकते हैं, भाई विजिट पर आकर आप आईडी कैसे अप्लाई करोगे, किस तरह, मुझे समझ नहीं आई। हाँ एक तरीका है कि आप यहाँ पर ओवरस्टे हो जाएं, तो किसी लड़की से शादी कर लें, तो फिर आपको 1-2 साल लगेंगे, वो सीन हो ये होगा कि आपका वीज़ा अप्लाई करेगी, इस दौरान आप काम नहीं कर सकते, आप बाहर नहीं जा सकते, आप इस तरह के सीन आपको करना पड़ेगा, तो फिर जाकर आपको जनाब अल्लाह वो हांगकांग नेशनल बना सकते हैं, आगे की जो है ना आईडी दे सकते हैं, वो भी 1 साल की पहले मिलती है, फिर 2-3 साल की मिलती है, फिर 3 साल की मिलती है, उसके बाद आपको परमिट किया जाता है। कुछ सवाल करते हैं कि हाँ पाकिस्तान से वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हैं, हाँ भाई कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो। अगर फ़र्ज़ करें कि कोई बंदा यहाँ और उसकी यार्ड है या उसका रेस्टोरेंट है, वो बोलता है मुझे शेफ़ चाहिए या मुझे वर्कर चाहिए, मुझे पाकिस्तान से ही वर्कर चाहिए, वो आपको बुला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 नंबरी पता क्या भाई, यहाँ पे वीज़ा फ्री मिल जाता है $10,000-12,000 में या $10,000 में, लेकिन ये आप सिर्फ 2-3 लाख डॉलर मांगते हैं, 2-3 लाख डॉलर हांगकांग के अगर हों तो पाकिस्तानी 1-1.5 करोड़ रुपया बनता है, तो दैट इज़ वेरी बिग अमाउंट। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ या को मैं ये वाला सीन है कि मैं आपको वीज़ा लगवा कर दूँगा, मैं आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन भाई दे सकता हूँ कि लोग इस तरह करते हैं, और लोग करवाते हैं भाई काम मजबूरी के लिए करवाते हैं। अगर आप 1-2-3 लाख लगवाते हो या 1-1.5 करोड़ खर्च करते हो,
तो आप वो तकरीबन एक दो साल के अंदर आप उसको रिकवर कर लेते हो, आपके लिए बचत ही बचत है, इतना इतना मुश्किल नहीं है। बाद में आप भाई अयशी और आपका वर्क परमिट के बाद आपका वो जो वीज़ा होता है वो भी परमानेंट हो जाता है और आप हांगकांग बाकायदा शहरी बन जाते हैं। अगर आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं हांगकांग, वो पासपोर्ट आपको मिल जाता है। उसके बाद मज़े की बात है कि अगर आप हांगकांग का पासपोर्ट लेंगे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट आपको फाड़ना पड़ेगा, वो आपको रखने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर दो पासपोर्ट आप दो शहरियत आप नहीं रख सकते, या हांगकांग के रखेंगे या पाकिस्तान के रखेंगे। अगर पाकिस्तान के रखेंगे तो हांगकांग का वीज़ा आपको अमित पासपोर्ट आपको नहीं मिलेगा, ये वाला सीन है। और तीसरी बात आपने क्या पूछी थी कि चोरी छुपे काम, चोरी छुप कर काम पता कर सकता है, लेकिन कब तक करेगा? लड़के करते हैं यार, करते हैं। असल में कुछ सवाल मेरे जहन से निकल गया, मैंने क्या क्या सवाल याद किए थे या क्या क्या वो चीज़ें याद की जो आपने मुझे पूछी थी, एस आई एम रियली सॉरी। तो हाँ, मुझे याद है, कुछ लोग कहते हैं कि फूड पांडा काम कर सकते हैं, अगर हाँ आप फूड पांडा का काम हांगकांग में कर सकते हो अगर आपके पास हांगकांग का आईडी है। वो किस तरह मिला है जो आपको वीडियो में पहले बताया कि किस तरह आपको आईडी मिल सकता है अगर आप वर्क परमिट लेकर आते हो। लेकिन वो वर्क परमिट ऐसा होना चाहिए कि सिर्फ एक काम के लिए होना चाहिए, आप कोई भी काम कर सकते हैं, मल्टी काम कर सकते हैं उस पर। अगर आप पार्ट टाइम पे अगर आप ये जॉब करना चाहते हैं तो आपको इस तरह का वीज़ा मिलना चाहिए। और अगर कोई बंदा बोल जाता है कि मैं आपको इसकी अपनी क्या नाम उसका सुपरमार्केट है, मैं इसके लिए बुला रहा हूँ, मुझे ये मेरे पास ही काम है, मेरे पास कॉन्टैक्ट करेगा, शायद आपके पास काम करें। अगर आपके पास फ्री टाइम है तो शायद आप अप्लाई कर सकते हो, शायद नहीं आप कर सकते हैं अगर आप क्योंकि आपके पास हांगकांग का डिपेंडेंट वीज़ा, आपके पास डिपेंडेंट आईडी है, तो इस वजह से आप अप्लाई कर सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, पार्ट टाइम आप जॉब कर सकते हैं, क्योंकि फुल टाइम तो आपने उसके पास जॉब करनी है डेफिनेटली, जिसने आपको बुलाया, जिसने आपको इतने पैसे देने हैं या जिसको आपने इतने पैसे देकर यहाँ पर आए हैं, तो भाई फुल टाइम तो आप उसके पास काम करेंगे। सिर्फ आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, जिस तरह मैं दिन को कंस्ट्रक्शन करता हूँ और शाम को 2-3 घंटे जनाब अल्लाह यहाँ पर आता हूँ काम करता हूँ। अभी यार आप लोगों से बातों में मेरा ऑर्डर मिस हो गया, इट वॉज सो क्रेजी, मैं इतना बातों में मगन हूँ कि मुझे आइडिया नहीं होगा ऑर्डर आ रहा, मैंने देखा ही नहीं है, ये वाला सीन है। तो जहाँ तक बात है अंगे में आईडी अप्लाई करने का, तो वो आप एक ही तरीके आप शादी करके अप्लाई कर सकते हैं अगर आप विजिट पर आते हैं। दूसरा तरीका अगर आप पाकिस्तान से वर्क परमिट रहते हैं उसको आपको लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप शादी कर गए यहाँ पर आकर शादी करेंगे दैट वन डिफिकल्ट, बड़ा प्रोसेस होता है, लंबा टाइम चलता है, उस पर डिपेंड होता है कि बीवी क्या काम करती है, उसके घर बार कैसा है, क्या सीन है, उसका बैंक रिकॉर्ड कैसा है, उसके ये सारे सीन कैसे हैं, क्या चक्कर है, ये भी देखना पड़ता है। वो गवर्नमेंट देखती है, सारा कुछ चेक करती है, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो चेक करती है। अगर वो A1 है तो भाई साहब आपको वीज़ा साल के अंदर अंदर मिल जाता है, अगर वो कुछ भी नहीं है तो फिर आपको भाई सील करना होना पड़ता है 2-3-4 साल तक। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट। तो ये कुछ सवाल थे जो मैं इनका जवाब अभी आपको दे चुका हूँ और इतना ही दे सकता था। अगर आपके मज़ीद कुछ सवाल हैं तो मुझे आप अप्रोच कर सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं, बाकी आपको दिखाते हैं कैसी ना यहाँ पर वो सारी मुझसे ये बातें नहीं हो सकती। और अगर पूछना आ जाए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा मुझसे, तो किसी दिन टाइम निकालेंगे, लाइव भी आएंगे, लाइव भी आपसे बातें करेंगे। तो बाकी देख लो, सरकार आवाम इंजॉय कर रही है बास्केटबॉल, और ये हमारी टेस्ला खड़ी है, और मुझसे जनाब वाला ऑर्डर मिस हो गया। आए दोस्तों, तो यार आप पूछ रहे थे कि मैं एक बात कर रहा था, उस बात में जनाब मैं कुछ और बातें करने लगा, मैं बात कट कर गया वो वाली। तो पूछ रहे थे कि इलीगल काम या छुप कर काम करना कैसा है, या छुप कर आप काम कर सकते हो, लेकिन आप खुदा ना हादसा अगर आप पकड़े जाते हो तो भाई साहब हांगकांग के कानून के मुताबिक अगर आप ने फेरी मारी हुई है या आप ओवरस्टे हो तो आपको 2 साल की करीब जेल भी हो सकती है, ये याद रखिएगा। खाली जेल नहीं है, फिर एक डिटेंशन सेंटर है, वहाँ पर आपको भेज देते हैं, वहाँ पर आपका फैसला होता है कि आपको वापस भेजना है या वापस हांगकांग में रखना है। ये इट वॉज वेरी डिफिकल्ट, आई एम रियली सॉरी, मुझे भी किस्तों में बातें याद आ रही हैं और आई एम सॉरी। तो ये वाला सीन है। और ये आपकी लक होती है कि आप बच जाते हो या पकड़े जाते हो। लोग करते हैं यार काम, सारे लोग करते हैं, ये नहीं कि खाली हांगकांग में नहीं है, यूके में भी करते हैं, अमेरिका में भी करते हैं, दूसरे देशों में भी करते हैं, दूसरे मुल्कों में भी करते हैं, ये सीन है सारा, लेकिन ये आपकी लक है। बाकी हमारी किस्मत देखो जनाब, हमें 2 ऑर्डर मिले हैं, एक की तरफ गर्म खाना पड़ा हुआ, एक तरफ ठंडा खाना पड़ा हुआ, क्या एक किस्मत यार हांगकांग के चाइनीज की भी, पता नहीं कौन कौन सी खुराकें खाते हैं गोडू की तरह। आए बैठो यार अपनी टेस्ला पर भागो यार, कस्टमर हमारा इंतजार कर रहा है बेचारा कि कब बंदा आएगा। यार मैं माजरे चाहता हूँ कि मैं असल में सच में बताऊँ ना, मेरा इस तरह की वीडियोस बनाने का बिल्कुल जी नहीं चाहता। मैं किसी के लग सवाल के जवाब दूँ इस तरह की वीडियो बना के, मैं कुछ लोग कमेंट करना उसके नीचे जवाब देता हूँ, मैं कहीं पर साफ जवाब देता हूँ मुझे पता नहीं है, इसलिए अगर एक बंदा पूछेगा फिर 2 पूछेंगे फिर सारे पूछेंगे, पता नहीं इतना मेरे पास टाइम नहीं होता हर वक्त कि मैं कितने सारे बंदे को जवाब दूँ, अकेला बनाऊँ यार काम करता हूँ और ओए।
कि कितना बिजी रहता हूँ। आए दोस्तों, तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपके जहन में कुछ और सवाल आते हैं किसी काम के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, वो नीचे कमेंट आप कर सकते हैं, तो मैं उसके बारे में एक और वीडियो बना दूंगा। अगर आप और सवाल करेंगे तो फिर और वीडियो बना देंगे। इसी तरह हमारा सिलसिला चलता रहेगा। तो आज की वीडियो पर यहीं पर एंड करते हैं। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, दुनिया और हर को शंसीब करने में शुद्धों में याद रखना। अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अल्लाह नेगेबान। अस्सलाम वालेकुम।